अभी जो कथा हुई उस कथा को कहते हैं रामायण का संकल्प। जैसे पंडित जी पूजा करते हैं आपका तो संकल्प पढ़ते हैं ना, बौद्ध अवतार, उसी तरह से संकल्प था। बिना संकल्प की पूजा पूरी नहीं होती, बिना संकल्प का जीवन का कोई कार्य पूरा नहीं होता। भागवत में नारद जी ने भागवत पढ़ी, भागवत प्रारंभ करने के पहले उन्हें संकल्प किससे सीखा? अपने पिता ब्रह्मा से। ब्रह्मा के पास गए और कहा कि पिताजी भागवत कथा होने जा रही, उसका संकल्प क्या होगा? बड़ा अच्छा भागवत यथा, संस्कृत है यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय, इति संकल्प वर्णय। मतलब क्या? हम संकल्प लेते हैं आज, भागवती कथा का संकल्प, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम भक्त बनेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे और भगवान से मिलेंगे। फिर से सुनिए संस्कृत, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य किलाधारे इति संकल्प वर्णय। मेरा संकल्प है भक्त बनेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे, भगवान हमारे जीवन में मिलेंगे, यही संकल्प है। और रामायण का क्या संकल्प है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, रामायण वहीं से शुरू होती है, याज्ञवल्क्य से शुरू होती है। भरद्वाज 88,000 ऋषि बालकांड ये सुन रहे हैं। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी माई। संकल्प ब्रह्मा ने भागवत पुराण में पढ़ा, वैसे सुनने के बाद नारद जी कहते हैं, घोषणा करते हैं, तदा नाहम हरेर्दासो, तदा नाहम हरो दासो त्वाम नाम प्रवर्तते। पिताजी सारा जीवन में भक्ति का प्रचार करूंगा इस भागवत के। तो भक्ति के तीन ग्रंथ हैं, तीन पुस्तकें हैं, जिसको भक्तस जो ज्ञान के प्रचार की तीन पुस्तकें हैं उसे प्रस्थान त्रय कहते हैं। एक है ब्रह्मसूत्र, कभी शंकर आप लोग तैयार होंगे तो ब्रह्मसूत्र को एक दो दिन में पूरा कर दूंगा, है तो बहुत खाली उसका ये बता दूंगा ब्रह्मसूत्र में है क्या। दूसरा है, किताब का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। हाँ, नाम लीजिए, क्या नाम है? ब्रह्मसूत्र, ये नाम याद रहे बस। उस पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्म, वेद का सार है। दूसरा, तीन पुस्तक से ज्ञान मिलता है, ब्रह्मसूत्र, और दूसरा क्या है? गीता। तीसरा क्या है? उपनिषद। मेरे साथ दोहराइए, पहला है ब्रह्मसूत्र, गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा है उपनिषद। ये तीन पुस्तकें ज्ञान बताती है। ये ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज विजडम,
हम ज्ञान आंखें कैसे खुलें, ये कैसे जाने कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये कैसे जाने, बिना ज्ञान के नहीं जाने। 24 बातें ये तीन पुस्तकें बताती है, प्रस्थान त्रय, बस उसको मिल गया तो आपको कहते ज्ञानी है, विज्ञानी है। और तीन पुस्तकें और हैं, उसको भक्तत्रयी कहते हैं, भक्तत्रयी, भक्ति की त्रयी माने तीन, और तीन बातें भक्ति की बताते हैं। कौन पुस्तक है? श्रीमद् भागवत पुराण। क्या है ये? सब लोग, ये क्लास है, ये क्लास है, यह यज्ञ भी है, यह कथा भी है, यह पारायण भी है, और यह कक्षा भी है, क्लास भी है। आप इस समझ क्या है कि मैं जा रहा हूं, कुछ पढ़ने जा रहा हूं, और हमारे में छूट है, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, या सवाल लिख करके हम शंकर को दे दें, हम उसका उत्तर भी देने की कोशिश करें। तीन पुस्तकें हैं, उसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण, दूसरा श्री रामचरित मानस, तीसरा नारद भक्ति सूत्र। क्या है? नारद है वो पुस्तक, मेरी बड़ी प्यारी पुस्तक है ये। रामायण पूरी हो जाए तो कभी नारद भक्ति सूत्र आप सुने। भक्ति क्या है? ज्ञान जब जानेंगे यह सिर बन खुल जाता है। कैसे खुलता है? जैसे कली हो फूल की, सूरज की रोशनी लेके धीरे धीरे फूलते फूलते पूरी खुल जाए, वैसे ये खुलता है। और भक्ति हृदय खुलता है, ये हृदय में बहुत बातें हैं, लेकिन अभी क्या है, हमने ये स्टोर हाउस है, मैगजीन हाउस है, इस मैगजीन हाउस में हमने सब गंदगी भर दी है, दुश्मन भर दिया है, मित्र भर दिया है, घृणा भर दिया है, क्रोध भर दिया है, जलन भर दिया है, निंदा भर दिया है, कचरा भर गया है, इसको साफ करके इसमें प्रेम की, करुणा की, दया की, श्रद्धा की, भक्ति की इसमें आता है। वह तीन ग्रंथ देते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण और श्री रामचरितमानस और नारद भक्ति सूत्र। मैं नारद भक्ति सूत्र आपको तीन दिन में पूरा कर दूंगा, उसमें 84 मंत्र हैं, 84 मंत्र, और श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 18,000, वाह 18,000 हैं, और रामचरित मानस में 9,990 चौपाई है, 1,072 दोहा सोरठा छंद है, 868,680 वर्ड्स है। ये तीनों भक्ति के ग्रंथ है। अगर आपको लगता है कि भक्ति बड़ी प्यारी है, दिल को छूती है, तो भक्ति के दो आधार बताए गए, एक को कल बताया था मैंने, एक के आंख के आंसू और दूसरे भगवान का सहारा। बस भगवान के लिए बस पुकारना, क्या क्या करना बताया गया, क्रम से बताया गया, पहले पूजा करना, पंडित से पूजा करा लिया, पूजा कराना, फिर प्रार्थना करना, पूजा प्रार्थना, और फिर पाठ करना, कोई एक पुस्तक का पाठ करना, और पाठ करने के बाद तब पुकारना, हे प्रभु तेरी पूजा पूरा कर लिया, मेरी इच्छा भी पूरी करो, मेरी भी दया करो, और वो सुनता है। हम तो अपने दिल की बात भी नहीं सुन पाते, वो तो चींटी के आवाज, पैर की आवाज सुन लेता है, वह जो सबकी सुनता है। और सुनेगा क्यों नहीं, आपने जो मांगा नहीं था वो आपको दे दिया, दे दिया, आपने जन्म लिया, जन्म लेते नहीं मांगा, मां का दूध दे दिया, जन्म लेते ही मां की गोदी दे दिया, जन्म लेते ही बाप ने दे दिया, उंगली पकड़कर चलाने चलने के सिखाने के लिए दे दिया, हमको सर दे दिया, बिना मांगे दे दिया, हमें सूरज की रोशनी दे दिया, हवा दे दिया सांस लेने दौड़ने के लिए, धरती बना के दे दिया,
और आनंद लेने के लिए बाहर लहराता समुद्र, बोलती हुई चिड़िया, कि कैसे ये होता है। तो यह भगवान स्वरूप और स्वभाव क्या है, बस इसी दो को जानने से सब कष्ट दूर होता है। कहा वो दोनों क्या है, स्वभाव क्या है, ये बात बताइए। पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा रहना, और गर्म करके खास पर बीच उतार दो क्या हो जाएगा, ठंडा, क्योंकि ठंडा रहना उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा रहना, प्यास बुझाना, ठीक है। हवा का क्या स्वभाव है, सांस देना। सूरज का क्या स्वभाव है, रोशनी देना। आग का क्या स्वभाव है, जलाना, जलना, रोशनी देना। अब ये दूसरी बात, आदमी का क्या स्वभाव है, आदमी का क्या स्वभाव, गुस्सा कर, गुस्से में जीवन भर जी सकते हैं आप, पागल हो जाएंगे। 24 घंटे गुस्सा चढ़ा रहे आप पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेम में आप 24 घंटे नहीं जीवन भर जी सकते हैं ना, तो आपका असली स्वभाव क्या है, प्रेम है, प्रेम। इस प्रेम को कैसे पाएं, यही रामायण सिंह, यह स्वभाव है अपना, प्रेम में रहना, यही प्रेम भक्ति बनती है, यही भक्ति रामायण देती है, अपने स्वभाव को दिखलाती है। और यही सारे शास्त्र, ब्रह्मसूत्र, गीता और जो है आपके उपनिषदे सिखाते हैं, स्वरूप इसका स्वभाव है। अब स्वरूप समझ लीजिए, क्योंकि शब्द बार बार आएंगे आगे चल के, जैसे शंकर जी कथा रहे, संकल्प हो गया दो दिन, अब कथा आने वाली है और ये शब्द बार बार आएंगे। स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, सबका स्वरूप अलग अलग है। लेकिन अब अपने अपने बारे में सोचिए, जब मां के पेट में थे तो क्या स्वरूप, माने रूप, आपका क्या रूप था, पेट के बाहर आए तो क्या रूप हुआ, जवानी आई तो क्या रूप हुआ, फिर दाढ़ी मोछे आ गई तो क्या रूप हुआ, फिर इसके बाद पिता मां बन गई तो क्या रूप हुआ, फिर बच्चे पैदा हुए तो क्या रूप हुआ, फिर बूढ़े हो गए तो क्या रूप हुआ, प्राण निकल गया तो जलने चिता पर गए तो क्या रूप हुआ, अपने रूप क्या ये असली रूप है, जो रोज बदलता है यही रूप है हमारा, यही स्वरूप है, यही चेहरा है। कितना चेहरा बदला, इस चेहरे में असली कहां है, इसी की खोज करने के लिए यह सत्संग है, सत्संग है, खोज करना है। इस क्या है, कहा कि जोक है, क्या कहते हैं डच में, मॉप ना, मॉप कहते हैं, कैसे लिखते हैं मॉप, एम ओ पे मॉप। तो कहा एक चूहा वो साइकिल चला रहा था, क्या चलाते हैं, भर करके जाते हैं, सुरीनाम में बहुत ज्यादा है बाइसिकल, बाइक वो चला, पीछे दूसरा चूहा बैठा था, शेर ने दूर से हाथ दिया, हमें भी लेते चलो, चूहे ने कहा अपने माँ से पूछ लो, जब मैं बैठा लूंगा तेरी माँ हमको दोष देगी कि तुम गुंडों के साथ घूम रहा था। ये हमारा स्वभाव है, हमारा यही स्वभाव बन गया है, ऐसे ही हम जी रहे हैं संसार में, ऐसे जी रहे ना पर्वत, ऐसे जी रहे ना, तो ऐसे कैसे चलेगा, हमारा स्वभाव क्या है, सच को झूठ बना देना, झूठ को सच बना देना। लड़की गई भगवान के पास, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं आपसे मांगती हूं, क्योंकि पंडित शंकर ने कहा है भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान को ही मांगना चाहिए तो सब मिल जाएगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन अपनी मां के लिए एक चीज मांगती हूं। कहा क्या, मेरी मां के लिए एक सुंदर सा दामाद दे दो, मुझे कुछ मत देना, क्योंकि मां के लिए दामाद दे,
हम कैसे कैसे जानते हैं, कैसे खाना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और हमारे हॉलैंड सूट से ऐसे तरीके से स्वभाव और स्वरूप का पता नहीं चलता। तो स्वभाव हमारा प्रेम का है, प्रेम ही भक्ति बनती है, और वही भक्ति रामायण सिखाती है। इसके लिए एक महीने का एक कार्यक्रम रखा गया। दूसरा स्वरूप, बचपन से मां के पेट से लेके बुढ़ाई और चिता पर जाने तक कितने रूप आपके बदलते चले गए, तो आपका असली स्वरूप क्या है। दूसरा उदाहरण दो, सवेरे आप उठे, बीबी ने चाय दिया, पति ने कहा थैंक यू, दंक हुए ना, इसके बाद चाय पिए, दोनों हंसते चले गए नौकरी पर, बीबी भी अपना चली गई अपने काम पर, और शाम को आए तो सब गुस्से में है, झगड़े शुरू हो रहे हैं। जब कंतूर में गए थे, अपने बॉस ने कहा तूने काम ठीक नहीं किया है, तुम्हें निकाल दिया जाएगा काम से, आप दुखी हो गए। तो रास्ते में आपका दुश्मन मिल गया, गुस्सा आ गया, आपका एक मित्र मिल गया, गले से मिलके, दिन भर में कितना रूप आपका बदलता है जरा सोचिए। तो घर से लेकर के, और घर में पहुंचे, बेटा गिलास लिए था गिर गया टूट गया, तो बेटे को मारने लगे डांटने लगे, कितना रूप दिन भर में बदलता है। तो आपका असली रूप क्या है, यही स्वभाव और स्वरूप को जानना ही, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। इस ज्ञान भक्ति को जीवन में आवश्यकता है। जिसके पास दिमाग है उसके लिए ज्ञान की, जिसके पास दिल है उसके भक्ति की। लेकिन रामायण एक बात कहती है, हमें दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत। और तीसरी भी बात कहती है, गीता भी कहती है, अगर ये जान गए हमारा स्वरूप क्या है जो नहीं बदलता, वो क्या नहीं बदलता, मन बदलता है, शरीर बदलता है, ये चमड़ी बदलती है, हमारी आत्मा नहीं बदलती। उसे देखते एक बार, बुराई मानने के पहले उसके बाद दिमाग खोल, किस परिस्थिति में आदमी सब अच्छे होते हैं, परिस्थितियां बुरा बनाती है, घटनाएं बनाती हैं। जब नहीं कोई रास्ता मिलता है, जब भूखे मर रहे तो क्या करोगे, चोरी करोगे। हर व्यक्ति की परिस्थिति सोचना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, तो आए शंकर ने कहा, कहे तुम मेरे दामाद हो, तेरा उठे नहीं सम्मान नहीं किया। कहा दामाद, विष्णु भगवान ने बीच में कहा अच्छा हुआ आंखें नहीं खोले, अगर खोल देते तो राख हो जाता, ठीक हो आंखें बंद करके बैठा था। खैर गुस्सा उसका रहा, एक जग किया, जग में नहीं बुलाया शंकर भगवान को, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया, सब जा रहे थे, सती ने कहा मैं भी जाऊं, कहा जहां आदर न हो वहां नहीं जाना चाहिए, कहा जग में तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां अंतर पड़ जाए वहां सोच के जाना चाहिए। नहीं मानी, चल पड़ी। ये तीसरी गलती हो रही है, पहले शंकर की परीक्षा लिया, फिर शंकर से झूठ बोला, अब बिना शंकर की इच्छा के जा रहे हैं। चली गए, जाते ही बाप मुंह फेर लिया, माँ ने ही केवल बात किया, माँ तो सबसे बात करेगी, बात किया, लेकिन देखा कि शंकर की कहीं पूजा नहीं है। बाप से पूछा ऐसा क्यों है, भृगु मुनि पूजा कर रहे थे, वही पुजारी थे, दधीची जी ब्रह्मा थे यज्ञ के, पूछा लेकिन कहा शंकर को तुम्हारा बाप नहीं चाहता, कहा यह यज्ञ पूरा नहीं होगा, करके हवन चल रही थी, नदी दीजी हवन कर रहे थे, हवन कुंड में गिर गई और उसके बाद शरीर भस्म हो गया। वही फिर पार्वती होके पैदा हुई हिमालय पर्वत पर, हिमालय उनकी बाप का नाम है, मैना उनकी माँ का नाम है, माँ का नाम क्या है, मैना। मैना किसे कहते हैं, मैना, जहां अभी तो हम क्या बोलते हैं, मैं ज्ञानी, मैं धनी, मैं विद्वान, मैं ताकत वाला, मैं नेता, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रेसिडेंट, मैं बहुत है, जब ये खत्म हो जाए, ना हो जाए, उसी को मैना, उसी के घर पार्वती पैदा होंगी। पार्वती माने श्रद्धा और प्रेम, प्रेम और भक्ति, वही पैदा, जिस प्रेम को भक्ति बतलाती है वही आज पार्वती के रूप में हिमालय, हिमालय माने दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़,
हिमालय माने जो दृढ़ है, मजबूत है, हिलता नहीं है, और जिसके भीतर सोना चांदी भरा हुआ है, खोदो तो मिलता है, जहां से सब नदियां बह रही है, ज्ञान की भक्ति की धारा बह रही है, ऐसे हिमालय के घर पर पार्वती पैदा होती है। और पैदा होकर जैसे पैदा हुई, छठी बरसी बरही कहते हैं ना, बरही बीती, वैसे 12 दिन बीता, नारद जी आ गए। वो लोग गए बेटी का जरा भाग्य देखते कैसा है, कहा बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसके समान कोई ऐसा नहीं है धरती पर, कहा बहुत अच्छी है, तो सब गुण है, लेकिन कुछ दोष है, कुछ दोष है। कहा क्या दोष है? कहा इसको जो पति मिलेगा वो ठीक नहीं है, वो पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान 67, दोहा नंबर 67, के ऊपर पहली चौपाई ऊपर, अगुण अमान, पेज नंबर 87 पेज पर, अगुण अमान मातु पितु हीना। का इसका जो पति मिलेगा उसमें कोई गुण नहीं होगा, उसका कोई आदर नहीं होगा, उसके माँ बाप का पता नहीं होगा, हरदम उदासी रहेगा, किसी से मेल जोल नहीं। ये तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगुनय मान मातु पितो हीना, हे राम जय राम जय जय राम, उदासीन सब संशय छीना, हे राम। और क्या दोष होगा? तो जोगी, वो जोगी होगा, जटिल काम मन नगनय मंगल बेस, अस स्वामी यही कवनी परिहस सिरे। ऐसा मिलेगा, सब गुण होगा तुम्हारी भी, सब कुछ अच्छा है, एक ही खराब है। क्या खराब है? इसका पति अच्छा नहीं होगा। किसके लिए कर रहे? शंकर बाबा के लिए। तो कहा कि तब क्या करें? हाँ देखो, चिंता मत करो, अगर ये लड़की तपस्या करे और भगवान शंकर में ये दोष है, लेकिन वह दोष गुण बन जाएगा। जोगी है ना, और माता पिता का पता नहीं है, उनके माता पिता का, भगवान सबके जन्म का पता है, शरीर छोड़ने का पता। राम आए दशरथ को छोड़ के चले गए, सरजू में नदी में चले गए, कृष्ण आए चले गए, तो भगवान शंकर कब आए कब गए छह पता नहीं। इसलिए मैं कभी मजाक में कहता हूं, जो राम और कृष्ण है ये तो बोटन लैंड के हैं, फॉरेनर हैं, आते हैं चले जाते हैं, आप त्रिनिदाद सूरीनाम जाते हैं तो फिर चले आते हैं, फिर जाते हैं चले आते हैं। और शंकर भगवान वो तो क्या है, बिना लैंड के, वो वही पैदा हुए सूरीनाम में, मरेंगे जिएंगे कहीं नहीं गए, इस धरती पर आए इसको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। तो भगवान शंकर का माता पिता का पता नहीं है, अगर ये तपस्या करे, तपस्या करने के पार्वती 7 वर्ष की हुई तैयार होते हैं। कहा गुरु कौन है? नारद जी पहुंचते, जब आपको जरूरत पड़ेगी भगवान की तरफ जाने का,
कोई न कोई सहारा आपको खुद ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। गुरु को ढूंढने की बहुत जरूरत नहीं है, गुरु ढूंढते ढूंढते या किसी बहाने आपके पास आ जाएगा। तो नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा कि जाके तपस्या करो, गए तपस्या करने। तुलसीदास लिखते हैं दोहा नंबर 77, ऋषि गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बहुत तपस्या में बैठी है, तपस्या में बैठी है, जैसे तपस्या ही बैठी हुई है। सातों ऋषि गए, तपस्या बहुत दिन की है। अब ये एक एक प्रसंग जो है ये साखा नौ दिन की कथा है, लेकिन मैं थोड़ी पूरा करता हूं। सातों ऋषि गए, कहा क्यों तपस्या कर रही हो लड़की? कहा शंकर को चाहती हूं। शंकर को क्यों चाहती हो? कहा प्रेम हो गया है। कहा प्रेम किसके द्वारा हुआ? कहा मेरे गुरु ने कहा है, नारद ने कहा है। कहा नारद तो खुद घर नहीं बसा सका, तुम्हारा कैसे घर बसाएगा? तुम उसकी बात मत मानो। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि उस मंदिर मत जाओ, सीताराम धाम मत जाओ, वहां पूजा पाठ मत करो। अरे मेरा दिल है, कहां करूं, तुमसे क्या लेने देना है? या तो कहा कि वो तो किसी का घर नहीं बसने दिया, सब इसी में है, तुम एक काम करो। पार्वती ने कहा तो महादेव 80 दोहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जेहि कर मन रम जाय सन तेहि तेहि के सन काम तो जन्म कोटि लगे रग रघुमारी। नहीं छोड़ सकते, मैं शंकर को चाहती तपस्या करूंगी। उधर तपस्या पूरी होने जा रही है, शंकर जाके विवाह करे, लेकिन शंकर तो मेडिटेशन समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि खुले तब तो शादी करेंगे। इंद्र भगवान ने उसे कहा गया कि शंकर भगवान के तपस्या किसी तरह से तोड़ो। कहा कौन तोड़े? कहा कामदेव, जो प्रेम के देवता है कामदेव। कामदेव नाच गान लेकर के आया, शंकर भगवान आम के पेड़ के नीचे बैठे आंख मुझे तपस्या कर रहे हैं। कामदेव बैठ गया आम के पेड़ के साथ डाल पर, भगवान शंकर के सामने धनुष बाण निकाला, बड़े नाच गान हुआ, उनका ध्यान नहीं टूटा। तब निकाला मारा उनके सीने में बाण। तुलसीदास जी लिखते हैं देखे विशाल, दोहा नंबर 86 देखे रसाल बिटप बरसा खा ते पर चढ़े मदन मन माखा। अब बाण निकाला सुमन चापो निज, चाप माने धनुष, सुमन चापो निज सरसंधानी
सर माने बाण, बाण मार दिया शंकर भगवान के छाती में। सुमन चापो निज सर संधानी अतरिसता की श्रवण ललिता। बाण लग गया सीने में। लागे चोट समाधि संभित जागे राम जय राम जय जय। क्या लिखते हैं? छूटी समाधि। ध्यान मेडिटेशन बैठे थे, आंखें खुल गई। छूटी समाधि संभुत जागे, आंखें खोल दिया। आंखें खोल करके देखा रे कौन है मुझे सिर बाण मारा। नयन उघारी, उघार माने खोल कर, नयन माने आंख, आंख खोल कर सकल दिशि दे, चारों तरफ देखा ये किसने मुझे बाण मारा है। नयन उघारी सकल दिशि देखि, क्या देखा? वहां कोई नहीं है, सामने एक आम का पेड़ था, उसी आम के पेड़ पर एक बैठा है। भगवान ने क्रोध आया, क्रोध से देख रहे। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शंकर भगवान तीसरा आंख खोल दिया। शंकर भगवान की तीन आंखें, दो ये एक ये। यह विश्वास के देवता है ना, विश्वास पे तीसरी आंख भी होनी चाहिए, ज्ञान की आंखें, इसे दिव्य आंखें, डिवाइन आइज कहते हैं। इसको खोल दिया, तब शिवती सर नयन उघारा पितावत आमा भयो जय तारा राम जय काम जो पेड़ पर बैठा था नीचे गिर गया, जल करके राख हो गया। उसकी बीवी आई, रोने लगी। शंकर भगवान, मेरे पति ने बहुत गलती किया है, उसको चिल्लाए का अब नहीं हो सकता। जब मैं राम का ये युग है, जब कृष्ण का अवतार आएगा तब उस शरीर बन के आए थे। यह कथा कहां? भागवत में। ये 21:7 दोहा के नीचे है। जब जद वंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति तुझसे मिलेगा। उसी समय सारे देवता आए, कहा शंकर आपकी शादी हुई थी, हम तो आपके बच्चे हैं, हमने अपने बाप की शादी नहीं देखी थी, आप मेरे बाप हैं, अगर आप शादी करते तो आपकी शादी हम लोग देख लेते। सती के समय हमने नहीं देखा था। फिर चले गए ध्यान में, प्रभु विष्णु आए, राम आए, फिर जगाए। आप क्या चाहते हैं? कहा प्रभु पार्वती की पूजा तपस्या पूरी हो गई है, और एक राक्षस है तारका, तारकासुर है, राक्षस है, उसने एक वरदान पा लिया है ब्रह्मा से कि जब मैं मरूं तो शंकर के बेटे से मरूं, नहीं तो किसी से न मरूं, और आप शादी नहीं करेंगे तो बेटा नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा तो मारेगा कौन? और कर क्या रहा है? जिसकी सुंदर लड़की देखता है उठा लाता है, और जिसका धर्म देखता है बंद कर, यज्ञ हवन पूजा बंद कर देता है। अत्याचार चल रहा है प्रभु, आप शादी करें, संतान हो, संतान उसकी मारेगी। वो सोचा था शंकर की समाधि तो टूटेगी नहीं, शादी तो करेंगे नहीं, बच्चा होगा नहीं, मुझे कौन मारेगा? जितने राक्षस है यही सोचते हैं मैं न मरूं। रावण ने भी यही सोचा, कंस ने भी यही सोचा, हिरण्यकश्यप ने भी यही सोचा, शादी करनी है। कहा शादी कर, ठीक है जाइए, आपको वचन देता हूं शादी करने को तैयार हूं। या? कहा शादी मेरे यहां तो कोई है नहीं, मुझे सजाएगा कौन, दूल्हा कौन बनाएगा? दोहा नंबर 91, 9 और 1, मुझे सजाएगा कौन दूल्हा, दुनिया का पहला नंबर का दूल्हा,
न ऐसा कभी हुआ है न कभी ऐसा होगा। शंकर भगवान, तो उन्होंने क्या काम किया, अपनी सिंगी बजाई, सारी दुनिया के भूत प्रेतों को बुलाया, कहा मेरे पास कोई है नहीं, कौन चलेगा बारात में। सब लोग आ गए, अरे भारत के तो थे ही, सूरीनाम से भी भूत प्रेत गए थे, अमेरिका से भी गए थे, यूरोपा हॉलैंड से, उसमें लिखा है सारी दुनिया के भूत प्रेत आए। लेकिन एक अंतर था अशोक, एक अंतर था, जो वहां के थे भारत के, वो तो कह रहे थे कि वो कहने लगे है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो विदेश से गए थे यूरोपा और अमेरिका से, सूरीनाम से, त्रिनिदाद गयाना से, वो क्या कहने लगे, हाय शंकर, हाय हाय। और जो गए थे शंकर 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 हरि हरि बोल रहे थे, वो सब हरि हरि बोल रहे थे, इधर के लोग हाय हाय बोल रहे थे। शंकर के आ गया बारात देखा, का अब लगा बारात, देवताओं ने देखा कि बाराती विदा करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, इनके साथ हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग की बेइज्जती होगी, कोई दाना पानी नहीं मिलेगा, मार ऊपर से पड़ेगी। तो कहा कि तब, तो कहा कि अब तैयार होते हैं, दुल्हा सस्ता है, दोहा नंबर 91 में, लगे समारन सकल सुर बाहन विविध विमान, हुई है सगुन मंगल सुबद करें अप्सरा ज्ञान। शंकर भगवान दुल्हा सज रहा है, सजा कौन रहा है, भूत प्रेत। अरे जब दुल्हन सजाई, दुल्हा सजाता, अच्छे अच्छे लोग बुलाए जाते हैं भाई, फूफा मामा नाना ये सब बुलाए सजाते हैं, और यहाँ तो भूत प्रेत सजा रहे हैं। वो अपने 8 प्रकार के हुए, और आगे तन खीन को, ये बरातियों के गुण है, जरा इसका अर्थ समझिएगा, तन खीन को अति खीन पावन पावन भूषण कराल कपाल कर भूषण कराल कपाल कर स्वान सुअर त्रिकाल मुख गण एस अगणित कोगन बहु जिनस प्रेत पिशाच जो भी जमात वरन नहीं बने देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित सियावर रामचंद्र जी। ये है 9 प्रकार के बराती हैं, 9 प्रकार के बराती, और विचित्र हैं, विचित्र हैं, विचित्र वाणी क्या, विचित्र अति विपरीत, उल्टा पुल्टा एकदम उल्टा। डॉक्टर ने कहा कि ये क्यों, ये 2 कमरे हैं, 2 कमरे में 2 पागल, इसके क्यों पागल हुआ, का एक लड़की को प्यार करता था, वो दूसरे से शादी कर ली इसलिए पागल हो गया। ओ ये दूसरा का जिस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई उस लड़की की शादी इस लड़के से हो गई, शादी करने के बाद ये पागल हो गया। दूर से प्यार बहुत अच्छा लगता है, जैसे प्यार से नजदीक आओगे ना घृणा में बदलने लगता है। पंडित कहते हैं लड़की शादी नहीं होगी तो मैं अपना प्राण दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, और शादी होती है हो जाती है तब मैं अपने पति की हत्या कर दूंगा।
सब उल्टा हो जाए। दुनिया से प्यार करोगे दूर से अच्छा लगेगा, जितना नजदीक जाओगे प्यार घृणा में बदल जाएगा। परमात्मा से प्यार करोगे दूर से अच्छा नहीं लगेगा, जैसे भगवान के पास जाने लगोगे तो प्यार हजार गुना ज्यादा हो जाएगा। यही अंतर है, यही अंतर। कहा तू क्या कर रहा है? कहा साहब दीवार से आवाज आ रही है, पागल खाने में दीवार से आवाज आ रही है, रेडियो लगता है बोलता है दीवार से, कान लगाए बैठा है। डॉक्टर ने देखा कि 3 घंटे से कान दीवार लगा के बैठा है। कहा आवाज आ रही है? कहा रेडियो की आवाज आ रही है, पागल तो पागल। तो डॉक्टर ने सोचा कि मैं कान लगा के देखूं, शायद आ रहा। कान लगाया 1 मिनट 2 मिनट पागल नहीं सुनाई पड़ा, 3 मिनट 4 फिर आवाज नहीं सुनाई। कहा करे पागल, इसमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। कहा वाह, 3 घंटे से मैं सुन रहा, मुझे नहीं सुनाई पड़ा, 3 मिनट में आपको सुनाई पड़ जाएगा। 3 घंटे तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं सुनाई पड़ा, 3 मिनट में आपको सुनाई पड़ जाएगा। ऐसे ही भूत प्रेत पागल की तरह भगवान शंकर के साथ है, यानी जिनका कोई सहारा नहीं है उसी के शंकर, जो इनवैलिड है। इनवैलिड किसको कहते हैं? हाथ पैर ऐसे है। नहीं ऐसे कहते ना, लेकिन एक बात और बताऊं, हमारा मन इनवैलिड हो गया है, हमारा मन भी लंगड़ा लूजा हो गया है, इसीलिए बुराई अच्छी लगती है। यह हमारा लूला लंगड़ा अंधा मन यह ठीक हो जाए, इसके लिए रामक राम की कथा है, ये मुरंग दे रहे मूर्ति है। ऐसे है इनवैलिडिटी ऑफ द बॉडी यू कैन क्योर, बट इनवैलिड ऑफ द माइंड यू कांट डू दैट, ओनली भगवान कैन डू। कह साइकोलॉजिस्ट के पास जाते ना, साइकेट्रिस्ट ना क्या कहते हैं डच में, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, सिकियाट्रिस्ट मान लो सिकियाट्रिस्ट, या बोलते हुए लगता है कि मैं ही सिकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूं। तो कहा सिकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं पूछने, वो कुछ नहीं करता, खाली आपकी कहानी सुनता है, क्या हुआ था, किसने कहा था। वो बेचारे जो कहने जाते हैं अपना दुख दूर करने कराने के लिए, वो और पागल हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और पागल हो जाते हैं। और एक बात, वो जो डॉक्टर है सिकियाट्रिस्ट है वो और पागल हो, वो ऐसे पागल अमेरिका और ट्रिनिडाड में मेरे पास आते हैं, बाबा रोज पागलों की कहानी सुनते मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बैठो ध्यान करो तुम मेरे सर, ध्यान करो। ऐसे नहीं दूर होगा, करो कुछ, मेडिटेशन करो, जप करो, ध्यान करो, नहीं करो। और एक बड़ी मजे की बात, जिसका दिमाग मन जितना इनवैलिड होगा उतना अपने को अच्छा समझता है, दूसरे को बुरा समझता है, और जिसका मन शुद्ध होगा वो अपने कोई बुराई देखेगा दूसरे को अच्छा मानेगा। ऐसा है ना? ऐसा है। तो कहा कि ये सब वहां गए हैं और 9 प्रकार के हैं। अब आपको बता, ये 9 प्रकार की बराती कौन है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। क्या नाम है? नवधा भक्ति। क्या है? नवधा, 9 माने 9, 9 प्रकार की भक्ति होती है। यही 9 प्रकार के बराती हैं भगवान शंकर के साथ, समझे? अब विस्तार करने का समय नहीं है, 9 बज गया है, लेकिन कल तो शनिवार सतरदास है, कल तो शॉपिंग डे है ना, और क्या खरीदते हैं हर सतरदास को मैं नहीं समझता हूँ। एक बार खरीदो महीने भर खाओ, चले जा रहे हैं जो देखो कहा जाए शॉपिंग कर, कितना खरीदते हुआ घर में जगह भी नहीं रखने को, और 2 साल के बाद फेंकते रहे, घर में जगह नहीं, बाबा मैं सफाई कर रहे, क्यों खरीदता है इतना। किसी घर में जाओ आदमी है 2 और घर के सामने 50 जूते, घर में जगह नहीं कपड़े टांगने का, इतना इतना स्वर्ग में सुख नहीं जितना आपके पास सुख है, लेकिन इतना दुखी कोई नहीं जितना हम लोग दुखी हैं, क्योंकि जीने नहीं आता, हमारा मन इनवैलिड हो गया है। मेरे मन में सब ये सब, हमारा दिल में सब कचरा भर गया है, डस्टबिन भर गया है। लेकिन आप लोग ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं ट्रिनिडाड वालों को कह रहा हूँ, आप लोग बहुत साफ हाँ, मेरी बात का कोई बुरा मान जाए, और मुझे अभी 1 महीने कथा कहनी है और अंत में दक्षिणा भी लेना है, क्या ठीक बात है ना? लेकिन आप
मुझे टिकट दे दिया करते हैं बस इतना, शंकर ने कहा टिकट मिल जाएगा कोई बात नहीं। तो अभी नौ प्रकार के भक्त हैं, नवधा भक्ति है प्रथम भक्ति सं तन कर संगा दूसर गति मम कथा प्रसंग। नौ प्रकार के बराती हैं और चार प्रकार के जानवर हैं, पर देखिए लिखा है तीसरी लाइन खर खर स्वान सुअर श्रृगाल। खर माने गदहा, गदहे हैं, और दूसरा स्वान कुत्ते हैं, तीसरा सुअर है, और तीसरा सियार है, श्रृंगार। सियार को क्या कहते हैं डच में? हा? जैताल अंग्रेजी में कहते हैं, जे ए सी के आर। अच्छा समझ गए ना, हो गया हमारा काम, हो गया। श्रृंगार है, तीन प्रकार के जानवर भी जा रहे हैं, क्या वर्णन है। देखिए क्या इसका मतलब है, अर्थ है बहुत है। समय कम समझने में कोशिश करता हूं। खर गदहा है, गदहा को जो मिल जाए थोड़े में संतोष कर लेता है, संतोषी लोग भी उसमें है। खर स्वान कुत्ता जल्दी सोता है, जल्दी उठ जाता है, जल्दी उठ जाता है। किसी का पति खो गया घर से, पत्नी खोजने गई पुलिस के पास, कहा मेरा पति खो गया है, का कैसा है बताओ कैसा है तब मैं खोजूं, उसकी नाक कैसी, उसकी आंख कैसी, उसके बाल कैसे, उसका शरीर कैसा है कुछ बताओ। तो बताया, पुलिस ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो पति ने कहा एक बात बताओ, उसके साथ एक काला कुत्ता है, कुत्ते से पर हमारे पति को पहचान जाओ। सब ये कुत्ते आजकल यही हो गया है, कपड़े से आदमी को पहचानते हैं, कार से आदमी को पहचानते हैं, आदमी के भीतर क्या है उसे नहीं पहचान करते, नहीं पहचान, नहीं पहचान। ताकि है तुम्हारी बीवी पानी में डूब रही है, जाओ दौड़ो कूदो पान नदी में, रीवा में, सुरीनाम रीवा में बह रही है, ताकि कूदो चलो दौड़ दौड़ो। तो पानी तो इधर बह रहा है, आदमी इधर इधर जा रहा पानी कूद करके। अरे इधर पानी बह रहा है तो उल्टा क्यों जा रहे हैं? मेरी जिंदगी में तुम ज्यादा जानते मेरी बीवी को, तुम्हें जानता हूं। कहा तुम जानते हो? कहा मेरी बीवी कभी सही जगह सही रास्ते नहीं चली है, हरदम उल्टा चली है। मैं भी पानी के सीधे नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं। देखिए अब जो भी मैं कह रहा हूं ना, एकदम मैं भारत वालों को कह रहा हूं, आपको नहीं ये भारत वाले कह रहे एक ने पूछा तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी रोज 200 डॉलर मांगती है, 200 रुपए मांगती है। तो कहा रोज मांगती है तो करती क्या, करती क्या है? कहा जब मैं दू तो पता पता लगे ना, मैं देता ही नहीं कैसे बताओ क्या करती है, लेकिन मांगती रहती है। जब दू तब पता चले ना, तब तन स्वान कुत्ते की तरह सोना, कुत्ते की तरह जगना। सुअर, सुअर कीचड़ ही अच्छा लगता है, भागवत में है, भागवत की कथा हो रही थी, सुखदेव जी कह रहे थे और सुअर सब जानवर चले गए, हाथी घोड़ा सब चले गए, सुअर नहीं गया। सुअर कीचड़ में अपने बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। नारद जी ने कहा है तू सब जानवर पशु पक्षी चले गए, तू यहां क्या कर रहा, कथा सुनने नहीं जाएगा? कहा नहीं 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 जाऊंगा, अब जाके लोगों से कह दीजिए, क्या कह दो एक संदेश सबको दे दीजिए कि जो भी भगवान की कथा न्योता पाने के बाद सुनने न जाए वो हमारी ही जाति का है। मैं नहीं जाऊंगा। घर स्वान
सुअर श्रृंगाल श्रृंगाल मुख गण वेश अगणित कुवन। अब इसका अर्थ क्या, हंस लिया ना, ये तो थोड़ा लाइट करने के लिए, क्योंकि गंभीर बात कहने जा रहा हूं, इसे थोड़ा सा आपको लाइट कर दिया। दूध पूरा का पूरा 100% दूध नहीं पचता, पानी में मिला दो तब पचता है, इसलिए बड़ी बात जो कहने जा रहा हूं उसको पचाने के लिए मैं पानी मिला दिया, इसलिए आपको हंसा दिया। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, हमारा मन जो है ये चार प्रकार का, इसलिए चार जानवर क्या है, चार प्रकार का। एक तो आप बैठे मेरी कथा सुन रहे हैं, इसको कहते हैं जागृत अवस्था, जागे हुए हैं। दूसरा अवस्था मन का क्या होता है, सोने जब जाते हैं, तो न सोए हैं न जागे हैं, बीच में हैं। और दूसरी अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, संस्कृत का शब्द है। तीसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, स्वप्न देखते हैं आप, सपना देखते हैं आप, वह सपना अवस्था है। और तीसरा और चौथी भीतर मन जब चला जाता है तो परमात्मा दिखाई पड़ता है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था। ये जो चार जानवर है ये हमारे मन के चार लक्षण हैं। स्वान खर गधा जो है ये जागृत अवस्था का है, स्वान इस सुप्ति का सोता है जाग जाता है, सुअर इस स्वप्न अवस्था है उसको कुछ पता नहीं है, अपने सुअरी अपना बच्चे ही दिखाई पड़ते हैं। और श्रृगाल ये तुरीय अवस्था है, वो सोता ही नहीं है, वह बराबर परमात्मा का दर्शन जो करता है उसके लिए चार जानवर बताए गए। हमारे ऋषियों ने हर अच्छी बड़ी बात को छोटी छोटे उदाहरण दे करके बातें को रख करके समझाया है, समझा। और नौ प्रकार के जो बराती है ये नौ प्रकार की भक्ति है, भक्ति है, इसको काफी समय लगेगा। और जो खून शरीर में लगाए हुए हैं नौ प्रकार की भक्ति क्या, आत्मनिवेदनम, ओ भगवान हमने सब कुछ आपको दे दिया अब मेरा कुछ नहीं है, वह खून लगाए हुए हैं, अपना खून दे दिया, कहे देश के लिए खून दे दूंगा, धर्म के लिए सिर दे दूंगा, सब कुछ दे दिया, उसे आत्मनिवेदन, नए नौ प्रकार की भक्ति, यही नौ प्रकार की भक्ति है, यही नौ प्रकार के भक्त बराती बने हैं भगवान शंकर के विवाह में जब गए हैं, नाचे गाँव आएंगे, सभी नाचते हैं गाते हैं। फिर जब वो पहुंचते हैं दरवाजे पर, द्वार पूजा पर, बैल पर उल्टा बैठे हैं, लोगों ने पूछा है शंकर सीधा तो हो जाओ का, और दुल्हा सबसे पीछे है बरात के सबसे पीछे दुल्हा है और मुंह जो है उल्टा है, तो लोगों ने पूछा शंकर ऐसा क्यों बैठे हो, कहा मैं अपने घर की तरफ देख रहा हूं, विवाह करके अपने घर लौटूंगा दुल्हन को लेके ना, तो अपने घर की तरफ मुंह देख रहा हूं, कुछ लोग ससुराल देखने लगते हैं तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए अपने ससुराल की तरफ मुंह नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर की तरफ दुल्हन को उधर ही आना है। और कहा उल्टा क्यों बैठे, कहा धर्म पर चाहे उल्टा बैठो चाहे सीधा सब ठीक हो जाता है, इसलिए धर्म के बैल पर बैठा हूं। कहा अब तो ससुराल आ गई, द्वार पूजा हो रही है, तेरी सास आ गई है परछन करने के लिए, लोटे का पानी लेके आए, दिया जला के सोने के थाली में आपकी आरती करने आए, सावधान खड़े हो जाइए बैठ जाइए। तो कहते हैं कि तब कहा दरवाजे की तरफ मुंह करो ना, कहा मैं नहीं करूंगा, बैल को कहीं घूम जाए, बैल घूम गया, शंकर भगवान का मुंह हो गया।